कांग्रेस ने बना लिया बीजेपी को पस्त करने का मास्टर प्लान। प्रियंका गांधी देंगी चुनाव में पीएम मोदी को मात। हिमाचल कर्नाटक के बाद इन राज्यों में भी ढहेगा बीजेपी का किला। कांग्रेस की क्वीन के आगे क्या करेंगे बीजेपी के किंग। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये 5 राज्य बेहद अहम हैं, या फिर यूं कह लें कि आगामी विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए आन का सवाल है, जिस वजह से दोनों ही पार्टियां इन राज्यों में दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम शामिल हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से कांग्रेस की सरकार है और एमपी में बीजेपी को उड़ाने के लिए कांग्रेस पूरा दमखम दिखा रही है। ऐसे में कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल और कर्नाटक को रिपीट करना चाहती है। इसी के मद्देनजर उसने बड़ी सोची समझी रणनीति बनाई है और इन राज्यों की तर्ज पर ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी आगामी चुनाव में कांग्रेस का गेम पलट सकती हैं? आइए ये जानते हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका कैसे बनेंगी गेम चेंजर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए इंदिरा गांधी के बाद प्रियंका गांधी सबसे बड़े महिला चेहरे के तौर पर उभरी हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने किसी और से ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा पर दाव लगाया है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस का मेन टारगेट महिला वोट बैंक है, क्योंकि इन राज्यों में महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत अहम साबित होने वाली है, जिस वजह से पार्टी ने इन राज्यों में महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रियंका को आगे किया है। इसके साथ ही प्रियंका के मुंह से कांग्रेस ने महिलाओं से जुड़ी हुई कई घोषणाएं करवाई हैं, जैसे घर की मुखिया महिला को हर साल 10,000 रुपए, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए और 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसे बड़े ऐलान करवाए गए। कांग्रेस के लिए प्रियंका कैसे बनेगी गेम चेंजर। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे बड़े राज्य हैं। तमाम एग्जिट पोलों से पता चलता है कि इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर होने वाली है। बात अगर एमपी की करें तो यहां बीजेपी सत्ता में है। प्रियंका ने मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ स्कीमों का ऐलान किया है। उन्होंने यहां हर महिला को प्रत्येक महीने 1,500 रुपए देने की बात कही। इसके अलावा बच्चों के लिए भी खूब गारंटी दी गई है। इसके तहत 8वीं तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपए और 11वीं 12वीं के बच्चों को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया है। राजस्थान में प्रियंका ने हर घर की मुखिया महिला को सालाना 10,000 रुपए देने को कहा है। वहीं 1 करोड़ परिवार को 500 रुपए की किफायती दर से रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रॉमिस किया है। छत्तीसगढ़ जाकर भी प्रियंका ने कुछ इसी तरह के मिलते जुलते वादे किए हैं। कांग्रेस का क्या है प्लान। कांग्रेस के इन वादों से साफ पता चलता है कि चुनाव में कांग्रेस का मुख्य फोकस महिलाएं और युवा ही है। तभी तो ये तमाम वादे महिलाओं और युवाओं के इर्द गिर्द किए गए हैं। कांग्रेस इसके जरिए बड़े वर्ग को चुनाव में टारगेट करना चाहती है। इसके लिए राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। राज्य में 2.73 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इनके मुकाबले महिला वोटरों की संख्या 2.53 करोड़ है। 2018 में कुल 74.72% वोट पड़े थे। इनमें से पुरुषों का वोट 73.73% था, वही महिला वोटों का प्रतिशत 74.67%। कांटे की टक्कर में इसने सत्ता की चाबी कांग्रेस को थमा दी थी। यही कारण है कि कांग्रेस महिला और युवा वोटरों को अपने साथ खड़ा करना चाहती है। प्रियंका गांधी ही क्यों, दोनों राज्यों में कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है। यही कारण है कि उसने प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया है। महिला और गांधी परिवार का होने के नाते वो महिलाओं के मुद्दे उठाती हुए उनसे ज्यादा कनेक्टेड दिखती हैं। वो राज्य स्तर पर कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। कांग्रेस की ओर से जब वो कुछ बोलती हैं तो उसके मायने होते हैं, जिस वजह से कहा जा रहा है कि इन चुनावों में गेम चेंजर बन सकती हैं।